हिंदी सिनेमा की मर्दानी रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हिचकी के प्रमोशन में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने नेहा धूपिया के चैट शो में शिरकत की। यहां पर अभिनेत्री नेहा धूपिया ने रानी से कई तरह के खुलासे करवाए। इस चैट शो के दौरान नेहा ने रानी से पूछा कि क्या वो कभी गुस्सा होती हैं या कभी गालियां देती हैं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए रानी ने कहा कि मैं हर दिन अपने पति पर गुस्सा करती हूं और उन्हें गालियां देती हूं। रानी की इस बात को सुनते ही वहां मौजूद नेहा जोर से हंसने लगी। रानी ने आगे कहा कि आदित्य काफी केयरिंग है और बहुत ही स्वीट है, कभी कभी प्यार से उनके लिए गालियां निकल जाती हैं। वैसे जब मैं किसी को गाली देती हूं तो इसका मतलब मैं उस शख्स को बहुत प्यार करती हूं। इस दौरान रानी ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनकी और आदित्य की पहली मुलाकात कहां हुई थी। पहली बार दोनों फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के सेट पर मिले थे। रानी आगे कहती हैं कि उस समय मेरी फिल्म ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, जिस वजह से कई लोगों ने आदित्य को कहा था कि वो मुझे फिल्म में कास्ट ना करें, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कास्ट किया। मुझे ये बात खुद आदित्य ने बताई थी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।